नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी से महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ के विषय में आप सभी से मैं चर्चा करूँ। यहाँ पर तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा, फिंगर की लेंथ जो है तकरीबन ठीक है, सिवाय लिटिल फिंगर को छोड़ करके। अदरवाइज फिंगर की लेंथ जो है स्ट्रेट है, और इस प्रकार से आप देख पाएंगे बारीकी से, अगर इस प्रकार से, तो थोड़ी जो है आपको इस प्रकार से नुकीली जो है देखने को मिलेगी। जब नुकीली इस प्रकार से जो पोर होता है उंगलियों का, जब इस प्रकार से किसी का रहे, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ही सोच समझ कर कोई कार्य करना जो है पसंद करते हैं, और बहुत ज्यादा ही सोचने विचारने वाले नेचर जो है ऐसे लोगों का होता है। यानी एनालिटिकल पर्सनैलिटी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है, बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं हर बात की जानकारी एवं बारीक परख रखते हैं, एवं अच्छे से कार्य करना, सोच समझ के कार्य करना पसंद करते हैं। वहीं लिटिल फिंगर जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुँची, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है, जिसके कारण ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक होती है। यानी शाइनेस और शर्मिलापन बहुत देखने को मिलता है, खासकर अपोजिट सेक्स के प्रति। प्रॉपरली बात नहीं रख पाना, हिचकिचाहट, घबराहट जैसी दिक्कत परेशानी होना, या मन के अंदर ही अपने बात को दबा लेना, इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन स्किल वीक होना यहाँ पर शो करता है। वहीं थोड़ा केयरिंग पर्सनैलिटी में भी कमी आती है, डॉक्यूमेंट्री फाइलिंग प्रॉपरली कंप्लीट नहीं रख पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि चीज़ों को रख करके भूल जाना, केयर ना कर पाना, इस प्रकार का जो है एक डिमेरिट देखने को मिलता है। अदरवाइज जैसे सीधी यहाँ पर खड़ी जो इनकी लिटिल फिंगर है, वो सीधे इंडिकेट करती है कि बहुत ज़्यादा ही परिवार को महत्व देने वाले होंगे, और हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ही सोचने विचारने वाले, हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ही परिश्रम करते हुए इनका जो है जीवन व्यतीत रहने वाला रहेगा। आते हैं अंगूठे के क्षेत्र पे, तो अंगूठा का क्षेत्र यहाँ पर ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन प्रॉपरली कर्व नहीं है, जिसके कारण प्रॉपरली स्टैंड नहीं ले पाएंगे अपने लाइफ में। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर, सीधे जो है चर्चा करूंगा मैं यहाँ पर साइज की। तो साइज जो है सीधे रेक्टेंगुलर है, जो शो करता है कि थोड़ा बोल करके कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद आता है, लुभाता है। और अब मैं जो है सीधे सी एक एक पर्वत करके सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगा। तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ जो है प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र तकरीबन ठीक है, जिसके कारण मैरिड लाइफ जो है इनका सक्सेसफुल साबित रहेगा, स्टेबिलिटी एवं जो हम कहते हैं कि एक संतुष्टि जो है अच्छी खासी रहने वाली रहेगी। वहीं लाइफ लाइन से एक जो है प्रोग्रेस लाइन भी निकली है, जो सीधे इंडिकेट करता है कि अपने मेहनत एवं खुद के कर्म के द्वारा खूब आगे बढ़ेंगे, एवं सारी इच्छा एवं मनोकामना को खासकर खुद के बलबूते पर पूरा कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी लाइन होती है, इसीलिए इसे जो है प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। अब आते हैं सीधे शनि के क्षेत्र में। तो शनि के क्षेत्र पर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है बहुत सारी रेखाएं एक साथ जो है चलते देखने को मिलेगी। इतनी सारी रेखाएं एक साथ चलना ले दे के कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि एक बात ये जरूर है कि ये एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग को शो करता है, लेकिन एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदि जो हैं ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। इसीलिए किसी भी एक क्षेत्र को लेकर के इनमें परफेक्शन जो है नहीं होता। यानी नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो स्टडीज करते हैं या जो कार्य करते हैं, वो ले दे करके कहीं ना कहीं मिसयूज उसका हो जाता है, या फिर प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाता। ये दो मैटर जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ज़्यादा रेखाएं हैं, धन का आवक अच्छा रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा तकरीबन 50 की उम्र के बाद कि एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग इनका रहेगा। अदरवाइज जो मेन लक है, वो मेन लक है मून लक, यहाँ पर इनका इस प्रकार से जो निकल के जा रहा है, ये है इनका मेन लक मून लक। मून लक यानी सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि शादी के बाद ऐसे लोगों का भाग्य उन्नति एवं प्रोग्रेस मिलता है, एवं जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस होता है। तो ये सीधे सीधे इंडिकेट ये करता है कि बाहरी दुनिया एवं बाहरी लोगों का, साथ में लोगों का भी कंसिडर करें, कि बाहरी लोगों में ये जो है लोकप्रियता हासिल कर पाएंगे, एवं बाहरी लोगों का इनको जो है खूब सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। अदरवाइज जो मेन लक है वो तो कुछ और ही है, उसके विषय में आपको बाद में बताता हूँ। अदरवाइज सनी माउंट यहाँ पर ठीक है, और भाग्य रेखा का यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर इनके लाइफ लाइन से भी। तो जो बिग अचीवमेंट्स रहेगी वो तकरीबन 40 के एज के आसपास में आकर के इनको मिलने वाला रहेगा। उसके पहले तक भी जो है अचीवमेंट्स रहेंगी, लेकिन उसके पहले ट्रबल्स बहुत है, जिसके विषय में अभी आगे चल के चर्चा करते हैं। सूर्य के क्षेत्र की चर्चा करें यहाँ पर, तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव मार्किंग भी है। सूर्य पर आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से एक से अत्यधिक रेखा है,
जिसके कारण बेसिकली ऐसे लोगों का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। इनको पता नहीं रह पाता कि किस क्षेत्र में इनको सफलता मिलनी है किस में नहीं, एवं ज़्यादातर कार्य जो है दूसरों के साथ सलाह मशवरा करके एवं दूसरों की राय जो है ज़्यादा सुनते हैं और लेते भी हैं। तो ये जो है कन्फ्यूजिंग माइंड होने के कारण किसी भी एक क्षेत्र में स्पेशलिस्ट या फिर प्रोफेशनल जो है नहीं बन पाते, ये एक कमी है। दूसरी कमी ये है कि यहाँ पर एक है ना क्रॉस का साइन आपको देखने को मिलेगा। क्रॉस का साइन थोड़ा सा नाम खराब करने वाला एवं अपने ही लोगों द्वारा थोड़ा धोखाधड़ी मिलना या प्रॉपरली उतना नाम ना फैल पाना या उतने अच्छे अवधे पोजीशन तक ना पहुंच पाना, जहाँ तक आप एक हक रखते हैं वहाँ तक ना पहुंच पाना, इस प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए सूर्य के उपाय करने रहेंगे, मैं बता दूंगा क्या क्या करने हैं आपको। और आते हैं अब सीधे यहाँ पर मरकरी के क्षेत्र पे। तो मरकरी के क्षेत्र पे एक से अत्यधिक रेखा होना अत्यंत शुभ होता है, यह आकर्षित व्यक्तित्व का निशानी होता है। यानी ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि लोग इनसे इंप्रेस हो जाएं या फिर ये जो है लोगों को बांधे रखें। तो ये एक प्रकार का सर्वप्रथम बिजनेस लक है जो बिजनेस के क्षेत्र में खूब सक्सेस दिलाता है। यानी आंख मूंद कर आप बिजनेस पर विश्वास कर सकते हैं एवं बिजनेस के द्वारा इतना सक्सेस मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। क्योंकि जितना इसमें क्या होता है कि लोग खूब जुड़ते हैं और लोगों का सहयोग भी बहुत प्रबल मिलता है एवं लोग से लोग फैलते हैं, उसका रीज़न यही है ये यहाँ पर बुध पर इतनी अच्छी रेखा होना। तो ये बेसिकली बताता है कि अपने बात व्यवहार आचरण इन सब के कारण और व्यवसाय में उन्नति मिलने का योग खूब रहेगा। लेकिन एक कमी अगर कुछ रहेगी तो वो कम्युनिकेशन स्किल लिटिल फेल फिंगर ये चीज़ शो करता है। आते हैं अब यहाँ पर माइंड लाइन पे। तो माइंड लाइन जो है इंडिपेंडेंट चल रही है। तकरीबन बचपन से ही आपको जो है रहने खाने पीने उठने बैठने सोचने विचारने हर चीज़ में स्वतंत्रता मिली है, जिसके कारण थोड़ा सा ऐसे लोगों में जो है जिद्दीपन देखने को मिलता है। अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुनते और जो एक बार मन में या दिल में या दिमाग में आ गया उसको पूरा करने के बाद ही उसको प्रॉपरली पूरा करने के बाद ही जो है अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो थोड़ा जिद्दीपन जरूर रहेगा, अदरवाइज माइंड लाइन देखे तो बहुत स्ट्रांग है। लॉन्ग स्टडीज एवं हार्ड स्टडीज रहेगी एवं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, सीधे तौर पर लोगों से बात करेंगे एवं ये जैसे कि मंगल के बाहरी मंगल के क्षेत्र तक पहुंच रहा है, जिसके कारण एक मेंटल पावर भी स्ट्रांग देखने को मिलता है। हृदय रेखा छूट गया था, तो हृदय रेखा के विषय में बता दूं कि ये इस प्रकार से जो है गुरु के क्षेत्र के तरफ झुकाव है, लेकिन प्रॉपरली स्टैंडिंग अगर इसका हो रहा है तो वो सैटर्न माउंट से, जिसके कारण थोड़ा जो है मनी के बारे में ज़्यादा सोचने विचारने आप वाले आप रहेंगे, लेकिन रिलेशन के प्रति बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट ईमानदार रहने वाले रहेंगे एवं रिलेशन जिससे भी बनाएंगे अपने तरफ से 100% देंगे। हेल्थ रिलेटेड कुछ बिग इश्यूज नहीं है। अब आते हैं सीधे लाइफ लाइन पे। तो लाइफ लाइन का फ्लो जो है इस प्रकार से निकलते हुए इस प्रकार से जो है यहाँ पर कर्व लेते हुए जा रहा है। तो ये जो कर्व लेते हुए जा रहा है ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले रहेंगे आप, और आपका जो है फैमिली से बहुत ज़्यादा ही गहरा अटैचमेंट रहने वाला रहेगा। फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे, पूरा निछावर हो जाएंगे। और उम्र की जहाँ तक चर्चा की जाए तो बहुत अच्छी उम्र आपकी रहने वाली है, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। उम्र एज जो है अच्छा खासा आपका रहने वाला रहेगा। अब आते हैं यहाँ पर ट्रबल्स की लाइन। तो वो ये रही, ये सब जितनी आप देख पाए हैं यहाँ पे जितनी रेखाएं हैं ये सारी की सारी ट्रबल्स की प्रॉब्लम्स की लाइन है जो आते हुए देखने को मिल रही है। इस प्रकार से ये जितनी भी है ये यहाँ पर ये जितनी है राहु लाइन्स हैं और ये यहाँ पर फिर मंगल रेखा है। तो ये जो है अचानक से होने वाले घटनाओं दुर्घटनाओं एवं जो फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन होते हैं, अचानक से काम बनते बनते बिगड़ जाना और अनावश्यक कष्ट दिक्कत परेशानी आना, उन सब के योगों को ये व्यक्त करता है। ये ज़्यादा हावी हो रहे हैं आपके माइंड लाइन पे, इसलिए मानसिक तनाव ज़्यादा आपको रह सकता है। और यहाँ पर फिर लाइफ लाइन पे भी अफेक्ट हो रहे हैं तकरीबन 45-47 के एज के आसपास तक। तो उस उम्र तक कहीं ना कहीं जूझना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर कुछ मुझे सपोर्टिव या एक अच्छी लाइन देखने को मिल रही है जिसको मैं वास्तव में ढूंढना चाह रहा हूँ, वो है ये सपोर्टिव लाइन। ये मिल गई तो अब जो है ज़्यादा टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो है सपोर्ट को शो करता है। ये लाइफ लाइन के पीछे इसलिए ही चलता है जो बताता है कि जीवन में एक बैक सपोर्ट आपको मिलेगा। यानी आप जब भी किसी दिक्कत मुसीबत परेशानी में रहेंगे तो किसी न किसी का सहयोग मिल जाएगा, जिसके कारण उस दिक्कत परेशानी के कारण आप जो है उस प्रॉब्लम से जो है बाहर निकल जाने वाले रहेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सपोर्ट के कारण, तो वो सपोर्ट यहाँ पर आपको ये मिलते हुए देखने को मिल रहा है जो कि बेसिकली सपोर्टिव और प्रोटेक्शन लाइन है। तो ये जब भी होती है तो ये जितने भी आपको ये यहाँ पर जो कष्ट देखने को मिले थे
इनका अब कोई काम नहीं रहता, ये इनका बस यही किरदार रहता है कि ये बस आते हैं और जैसे आए हैं वैसे चल जाते हैं। लाइफ में इनका कुछ गहरा या बहुत गहरा इम्पैक्ट नहीं रहता। और वैसे भी लाइफ लाइन आपकी जो है अच्छी खासी यहाँ पर चल रही है, जो फ्लो है लाइफ लाइन का वो अच्छा है, जिसके कारण ये ट्रबल जो है ज़्यादा हावी आपके ऊपर नहीं रह पाएगा। लेकिन तब भी इसके उपाय जो है आपको व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा, वो करने रहेंगे आपने। और अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल तकरीबन ठीक है, कंफर्ट दूसरों को अच्छा दे देते हैं, बहुत देखने को मिलेगा कि बहुत आप जो है आज्ञाकारी जो है बहुत ज़्यादा ही रहने वाले रहेंगे, खासकर अपने परिवार, गुरु, देव, इन सब के। और शुक्र के क्षेत्र की जहाँ तक चर्चा करें तो शुक्र का क्षेत्र यहाँ पर नॉर्मल है, और लग्जरीज व सुख सुविधा के साधन तो जरूर आपके पास आगे चल के रहेंगे, लेकिन कुछ ये जितनी ये रेखाएं हैं ये कष्टदायक है, यानी अनावश्यक चिंताओं को ही व्यक्त करती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि कुछ ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को व्यक्त करती हैं, कि अपॉर्चुनिटीज़ भी जीवन में अच्छी मात्रा में आएगी। अब लाइफ लाइन से ही जो है कनेक्टेड होकर के यहाँ पर जो है इस प्रकार से हल्की सी जो शाइन बनते देखने को मिल रहा है, मछली आकृति बनते देखने को मिल रहा है केतु पे, जिसके कारण बेसिकली यात्राओं के दौरान खूब प्रोग्रेस मिलेगा। तो यात्राएं करें, जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस आपको बिल्कुल मिलने वाला रहेगा। इसका झुकाव भी जो है शनि की तरफ है, तो बहुत अच्छा भाग्य उदय होने के योग भी ये व्यक्त करता है। और यहाँ से निकलने वाली ये जो लाइन है ये है आपकी सबसे मेन लक, यानी बिजनेस लक। ये जो लाइन यहाँ से निकल के जा रही है ये है आपकी मेन लक, बिजनेस लक, और ये बिजनेस में सक्सेस को शो करता है। बचपन से ही तकरीबन आपको ये जो है एक भाग्य मिला हुआ है जिसका झुकाव सीधे बुध पे है, तो बिजनेस में आपको ना ही कोई ट्रबल रहेगा, ना ही कोई टेंशन नहीं रहेगी, सिर्फ सक्सेस रहेगा। और अगर बिजनेस में चल गए तो वापस से कह रहा हूँ कि पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति रहेगी। ये आपका मेन लक है, ये माइंड लाइन है, और इस प्रकार से हल्का जो मनी ट्रायंगल बनने का भी योग बन रहा है वो इसी कारण बन रहा है, ये बिजनेस लक के कारण। तो ये है कि धन तो वैसे आपके पास रुक नहीं पाएगा, लेकिन धन अगर खूब आएगा भी तो वो बिजनेस के द्वारा ही, और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं किसी भी टाइप का, पार्टनरशिप में या किसी भी प्रकार का, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या ऑब्लिगेशंस नहीं है। चंद्र ठीक है, अच्छा है, जिसके कारण मन जो है व्यक्ति का अच्छा होता है, यानी आपके आसपास में या फिर आपके रेंज में जितने भी लोग आएंगे या रहेंगे बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव फील करेंगे, सकारात्मकता रहेगी, मन शुद्ध है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा आपके आसपास के लोग जो है अच्छा महसूस करेंगे जब भी वो आपके आसपास में आएंगे या कांटेक्ट में आएंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और कोई प्रश्न रहेगा